दोस्तों, बाघ जंगल में रहने वाले सबसे खतरनाक जानवरों में से एक हैं। लेकिन इतना खतरनाक होने के बाद भी इस जानवर का अस्तित्व आज खतरे में है, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में बाघ की आबादी घटकर लगभग 4000 से भी कम रह गई है। साल दर साल बाघों की घटती जनसंख्या ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वैसे क्या आपको पता है कि एक समय दुनिया भर में बाघ की लगभग 11 प्रजातियां पाई जाती थीं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इनमें से केवल 6 प्रजातियां ही अस्तित्व में हैं, बाकी की 5 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। बाघ की कौन कौन सी प्रजाति आज भी धरती पर मौजूद है और इनमें से कौन सी प्रजाति दुनिया की सबसे बड़ी बाघ की प्रजाति है, जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, बाघ को न केवल बिल्ली की प्रजाति का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर माना जाता है, बल्कि ये ध्रुवीय भालू और भूरे भालू के बाद पृथ्वी पर तीसरा सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर भी है। एक बाघ का जीवन काल जंगल में लगभग 10 वर्ष और चिड़ियाघर में लगभग 2 गुना होता है। इनमें जो नर होते हैं वो मादा से आकार में बड़े होते हैं। दिसंबर से मार्च तक का महीना बाघों के प्रजनन के लिए अनुकूल होता है। बाघ इस समय ही मिलन करते हैं। इस दौरान ये जीव बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। वो एकांत पसंद करते हैं, और अगर ऐसे समय में कोई उन्हें छेड़ता है तो वो सामने से अपनी मौत को दावत देता है। दोस्तों, इनमें प्रजनन के कुछ समय बाद मादा बच्चों को जन्म देती है। एक मादा बाघ का गर्भकाल 3.5 महीने का होता है, और वो एक बार में 3 से 4 शावकों को जन्म देती है। शायद यहाँ मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बाघ के बछड़ों को शावक कहा जाता है। जब वो पैदा होते हैं तो उस वक्त वे अंधे होते हैं, लेकिन 1-2 सप्ताह के बाद उनकी आँखें खुल जाती हैं। हालांकि उनमें से लगभग आधे शावक ही जीवित रह पाते हैं। बाघ के ये बच्चे 6 महीने की उम्र में ही शिकार करने का हुनर सीखना शुरू कर देते हैं, और लगभग 18 महीने की उम्र तक वे अपनी माँ के साथ ही रहते हैं, और इसके बाद ये अपने आगे का जीवन जीने के लिए अकेले ही निकल पड़ते हैं। दोस्तों, अब अगर बात करें बाघ के विलुप्त हो चुकी प्रजातियों के बारे में, तो इनमें ट्राइनील और जापानी दो बाघों की ऐसी प्रजातियां थीं जो प्री हिस्टोरिक एज में ही विलुप्त हो गई थीं। 20वीं सदी में बाघों की 3 और प्रजातियां विलुप्त हो गई, जिनमें बाली, कैस्पियन और जैवन टाइगर शामिल थे। इनमें जो बाली था वो जैवन टाइगर के साथ इंडोनेशिया द्वीपों पर रहता था। इसे 1930 के दशक से नहीं देखा गया है, और इसे 1950 के दशक से विलुप्त मान लिया गया है। बाली टाइगर बाघों की सभी उप प्रजातियों में सबसे छोटी थी। वहीं कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि बाली बाघ वास्तव में विलुप्त जैवन टाइगर्स की एक उप प्रजाति थी। पर आपको बता दें कि दोनों ही बाघ के वजन में अच्छा खासा डिफरेंस था। जहां बाली बाघ का वजन 90 से 100 किलो के बीच था, तो वहीं जैवन टाइगर बाली के कंपैरिजन में बड़े होते थे। इनका वजन 100 से 140 किलो के बीच होता था। वैसे अब ये दोनों बाघ विलुप्त हो चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह मानव आबादी में वृद्धि बताई गई है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में बाघ की कुल 6 प्रजातियां ही अस्तित्व में हैं, जिनमें साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर, साउथ चाइना टाइगर, सुमात्रन टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर और मल्यान टाइगर शामिल हैं। इनमें जो सुमात्रन टाइगर हैं वो 140 किलो के अधिकतम वजन के साथ जीवित बाघों की सबसे छोटी प्रजाति है। इनका साइज विलुप्त हो चुके जैवन टाइगर के समान है। सुमात्रन टाइगर सिर्फ इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि बढ़ते समुद्र के स्तर ने इन बाघों को 6000 से 12000 साल पहले अन्य बाघों से अलग कर दिया था। साल 1998 में इन्हें बाघों की एक स्पेसिफिक सब स्पीशीज के रूप में लिस्टेड किया गया था। वैसे बाघों की ये प्रजाति भी भारत की लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल हैं। आज इनकी संख्या 400 से भी कम रह गई है। इस प्रजाति के नर बाघ की लंबाई 220 से 225 सेंटीमीटर है, वहीं मादा बाघ की लंबाई 215 से 230 सेंटीमीटर के बीच होती है। दोस्तों, अगर बात करें मल्यान टाइगर की, तो इनकी गिनती भी बाघ की सबसे छोटी उप प्रजातियों में होती है। इनमें औसतन एक नर बाघ का वजन 100 से 140 किलो के बीच होता है, जो सुमात्रन बाघ के वजन के समान है।
मलयन टाइगर मूल रूप से मलेशिया के मलय आइलैंड पर पाए जाते हैं, हालांकि ये थाईलैंड के दक्षिणी सिरे में भी मिलते हैं। इनमें नर बाघ की लंबाई लगभग 190 से 280 सेंटीमीटर और मादा बाघ की लंबाई 180 से 260 सेंटीमीटर के बीच होती है। मलयन बाघ सुमात्रन बाघों के कंपैरिजन में थोड़े से और बड़े होते हैं। इस प्रजाति पर भी विलुप्त होने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इनकी संख्या अब बस 250 के करीब ही रह गई है। दोस्तों, मलयन टाइगर के साथ साथ इंडो चाइनीज टाइगर पर भी विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। वर्तमान में इनकी संख्या 350 के आसपास रह गई है। बाघ की ये प्रजाति कंबोडिया, चीन, बर्मा, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है। ये पहाड़ों पर रहना पसंद करते हैं। इनमें नर बाघ की लंबाई 270 सेंटीमीटर के करीब होती है और वजन 150 से 200 किलोग्राम तक होता है। वहीं मादा बाघ की लंबाई 240 सेंटीमीटर के आसपास होती है और वजन 100 से 130 किलोग्राम के बीच होता है। दोस्तों, हमारे अगले टाइगर को आप पूरी तरह से विलुप्त मान सकते हैं, क्योंकि लगभग पिछले 25 सालों से इस बाघ के पैरों के निशान तक नहीं देखे गए हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साउथ चाइना टाइगर की, जो पहले सेंट्रल और ईस्टर्न चाइना में रहते थे। इस प्रजाति में नर बाघों की लंबाई 230 से 260 सेंटीमीटर और वजन लगभग 130 से 180 किलोग्राम तक होता था। वहीं इनमें मादा की लंबाई 220 से 240 सेंटीमीटर और वजन लगभग 100 से 110 किलोग्राम तक होता था। वैसे कुछ रिपोर्ट्स की माने तो आज साउथ चाइना टाइगर 30 से 40 की संख्या में बचे हुए हैं। फिलहाल बाघ की इस प्रजाति को विश्व के 10 लुप्तप्राय जीवों के लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े बाघ की, जिसे हम और आप बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ये बाघ भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में भी पाए जाते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल का सुंदरबन जंगल इसका प्राकृतिक आवास है, लेकिन कटते जंगल और बढ़ते शिकार की वजह से अब ये भी संकट में है। आज दुनिया में 3,500 से भी कम बंगाल टाइगर बचे हुए हैं। एक रिसर्च के अनुसार 2070 तक आते आते बाघ की ये प्रजाति भी पृथ्वी से पूरी तरह विलुप्त हो जाएगी। वैसे बाघ की ये प्रजाति दुनिया में पाए जाने वाली सारी प्रजातियों में सबसे भारी और खूंखार होते हैं। इनमें नर बाघ की नाक से पूंछ तक की लंबाई 270 से 310 सेंटीमीटर और वजन लगभग 180 से 258 किलोग्राम तक होता है। वहीं मादा की लंबाई 240 से 265 सेंटीमीटर और वजन 100 से 150 किलोग्राम के बीच होता है। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में बंगाल टाइगर को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाघ कहा जाता है, लेकिन साल 1967 में उत्तर प्रदेश में एक शिकारी ने एक बंगाल टाइगर को मार गिराया था। इस बाघ की लंबाई 10 फीट 7 इंच और इसका वजन 389 किलो के आसपास था। बाघ का आकार और वजन देखकर उस समय सब लोग हैरान रह गए थे। उस समय वो बाघ दुनिया का सबसे बड़ा बाघ कहा गया था और उस दौर में वो बाघ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। दोस्तों, अब मिलते हैं बाघ की सबसे बड़ी और सबसे भारी उप प्रजाति से, जिसे साइबेरियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ये साइबेरिया के सुदूर पूर्वी इलाके में अमर असर के जंगलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पूर्वोत्तर चीन और रूस के सुदूर पूर्व के कुछ हिस्सों में भी आसानी से मिल जाते हैं। ठंडी जलवायु में रहने के कारण साइबेरियन टाइगर का औसत अधिकतम वजन 272 किलो के आसपास होता है। इनका ये वजन शरीर में अत्यधिक वसा के जमा होने की वजह से होता है। कुदरत ने इनके शरीर को इस तरह से विकसित किया है कि ये कठोर सर्दियों में भी आराम से रह लेते हैं। इस प्रजाति में नर बाघ की लंबाई 190 से 230 सेंटीमीटर और मादा बाघ की लंबाई 160 से 180 सेंटीमीटर तक होती है। हालांकि एक रिपोर्ट में पास्ट में ऐसे साइबेरियन टाइगर्स के मिलने की बात कही गई है जिनका वजन 362 किलो से अधिक था। वैसे इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में साइबेरियाई बाघों के आकार और वजन में कमी आई है, जिसके लिए शिकार, आवास के नुकसान और भोजन की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया है। और इसी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है आने वाले समय में बंगाल टाइगर साइबेरियन टाइगर्स के कंपैरिजन में बड़े हो सकते हैं। दोस्तों, बाघ की विलुप्त हो चुकी प्रजातियों में जो तीसरी उप प्रजाति है वो कैस्पियन बाघ की थी, जो तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और चीन के कुछ हिस्सों में पाए जाते थे। बाघ की ये प्रजाति साल 1960 के दशक में ही विलुप्त हो गई थी। कैस्पियन बाघ आमतौर पर साइबेरियाई बाघों की तुलना में छोटे होते थे, जिनमें नर का वजन 240 किलोग्राम तक होता था
और वयस्क लगभग 10 फीट तक लंबे होते थे। बंगाल टाइगर और साइबेरियन टाइगर के साथ साथ कैस्पियन टाइगर को भी बाघों की सबसे बड़ी उप प्रजातियों में से एक माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से शिकार और आवास के नुकसान के कारण कैस्पियन टाइगर आज इस धरती पर मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी नज़र में दुनिया का सबसे बड़ा बाघ कौन सा है और किस देश में पाया जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।